राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व दीपदान मनाया गया। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का होता है। धार्मिक दृष्टि से निकाल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। कार्तिक मास में व्रत त्यौहार पूजा पाठ आदि के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। महीने बाद जब भगवान विष्णु जब जाग जाते हैं तब मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। पहले 15 दिनों की रातें वर्ष की अंधेरी रात होती है। लक्ष्मीपति विष्णु की जागने की थी। पूर्व के दिनों में दीप जलाने से जीवन का अंधकार छेड़ता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीप दान करता है वे दिव्य कांति से युक्त होकर विष्णु लोक में विहार करता है। दान क्यों करते हैं जल में? राजा बलि जी के यहाँ पे जब लक्ष्मी जी अपने बेटा भगवान को लेने गई थी तो बलि ने बोला था कि जो दीप दान मतलब जब ये पूरे कार्तिक मास को करते हैं, जो व्यक्ति पूरा कार्तिक नहीं नहा पाता और नहीं कर पाता वो आज के दिन अगर दीप दान करेगा तो उसको पूरे माह का फल मिलेगा। इसलिए आज के दिन कार्तिक पूनम के दिन दान करते हैं। आप बताएं थोड़ा सा, आज जैसे अपन जो दीप दान करते हैं इससे क्या कहानी जुड़ी हुई है? इसकी कहानी यही है कि आज के दिन विष्णु भगवान ने पृथ्वी लोक में आने के लिए ऐसा बोला था कि मतलब आज के दिन ऐसा सब करना चाहिए तो वो इधर आएंगे पृथ्वी लोक में। तो इसके क्या व्रत भी होते हैं? हाँ, इसके कार्तिक के व्रत होते हैं, पूरे महीने के व्रत होते हैं। 30 दिन होते हैं इससे, 30 या 31 दिन, वो पूरे दिन महत्व है व्रत का मतलब। और 5 दिन का विशेष महत्व है 11 से पूनम तक का। अच्छा। उसमें ज़्यादा दीपदान भी ज़्यादा किए जाते हैं और व्रत का ज़्यादा महत्व है इसमें। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। आज कार्तिक मास समाप्त हो जाता है। दीपदान करने से अंधेरे को ख़त्म करके पूर्णिमा के दिन हम दीपदान करते हैं जलाशयों में, क्योंकि अंधेरा समाप्त होकर आज उजाले की वो थी और तुलसी माता जो है आज वैकुंठ धाम को पधारी थी और सारे देवी देवता यहाँ भ्रमण करने आते हैं, मृत्यु लोक को भ्रमण कर और फिर वो भी वैकुंठ को जाते हैं, इसलिए आज दीपदान किया जाता है। बोलो ना, एक मान ये मतलब कार्तिक की जब शुरू की पूर्णिमा आती है एक महीने पहले की, जो कुंवार की आई थी ना पूर्णिमा जी, वो कुंवार से व्रत करते हैं तो ये कार्तिक तक करते हैं एक व्रत। सुबह 5 बजे उठ के नहाना, दीपक लगाना, घाट की पूजा करना और इधर ये 5 कंकर रख के पूजा करते हैं। पूरे एक महीने घी का दीपक लगाते हैं बड़ पीपल पे, तुलसा जी पे, इनकी शिव जी की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं एक महीने। और फिर 14 के दिन और पूनम के दिन दीपक छोड़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। मतलब जानकर मतलब ये भी बताते हैं पूजों के आज के दिन तुलसी माता वैकुंठ धाम को पधारी थी। हाँ बिल्कुल। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन